जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, देखिए घबराएं बिल्कुल नहीं, उन पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए, वे स्वयं आपको बल देंगे। देर से दें, जल्दी दें, कभी दें, पर देंगे अवश्य। एक क्षण के लिए भी निराश मत होएं। उनकी कृपा का एक क्षण के लिए भी अनुभव होने पर स्त्री आदि के प्रति सारा मोह, संसार का सारा प्रलोभन उसी समय हवा हो जाएगा। कृपा का अनुभव भी उनकी कृपा से ही होगा, आप बाट देखते रहें। वस्तुतः भगवान की कृपा ऐसी ही होती है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आवश्यकता भर बोलने के बाद जागने से सोने तक मशीन की तरह जीभ से भगवान का नाम लेते रहें, यह काम अवश्य होना चाहिए। यह हो सकता है, यदि नहीं होता तो समझ लें कि मन आपको बुरी तरह धोखा दे रहा है। सावधान हो जाइए, कम से कम आप इतना ही कीजिए, बाकी के सब काम वे कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कम से कम बोलकर काम चलाएं, शेष समय मशीन की तरह भगवान का नाम लें। माँ सीता जी की अवस्था का वर्णन करते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुमार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कि रात दिन नाम का पहरा लगा हुआ है, ध्यान के किवाड़ बंद हैं, एवं अपने ही चरणों में नेत्रों का लगा रहना, रूप ताला बंद है, इसलिए श्री सीता जी के प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी की कोरी कल्पना नहीं है यह। श्री राम जी के विरह में श्री सीता जी की वास्तविक अवस्था का वर्णन है। श्री भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति के द्वारा यह आदर्श स्थापित करवाया कि हमसे बिछड़े भक्त की यही दशा होनी चाहिए। आप भी प्रभु से बिछड़े हुए हैं, अतः आप भी इसी दशा को प्राप्त करने की सुंदरतम अभिलाषा को लेकर नाम का पहरा लगा दीजिए। कंजूस के धन की तरह वाणी का संयम कीजिए, अनावश्यक बिल्कुल मत बोलिए। काम के लिए बोलते समय भी यह ध्यान रहे कि कम से कम बोलकर काम चलाया जाए, शेष समय मशीन की तरह नाम लें। आप अध्यापक हैं, आप विद्यालय जाइए, पर कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखिए कि जिस समय चुप रहने का अवसर हो उस समय नाम लेने लगें। लज्जा छोड़ दीजिए, वहाँ के लोग ढोंगी कहेंगे अथवा प्रशंसा करेंगे, इस विचार को छोड़ दीजिए। दृढ़ता से उद्देश्य स्थिर करके प्रभु के चरणों को पकड़िए, इसी में जीवन की सार्थकता है। जिस सुंदर भाव को लेकर आप साधना में प्रवृत्त हुए हैं, जैसा सुंदर मधुर संबंध आपने प्रभु के साथ स्थापित किया है, उसे एक क्षण के लिए भी कलुषित और ढीला मत कीजिए। अब इस संबंध को निभाने के लिए ही जीना और मरना है। भगवान के चरणों की साक्षात नित्य सेवा जिस देह से होती है, वह देह आपको अभी प्राप्त नहीं है। यह देह पांच भौतिक है, नश्वर है, मल मूत्र से भरा है, गंदा है, इसकी ओर उपराम हो जाइए। लालसा कीजिए उस देह की, जिसको पाकर नित्य निरंतर उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। जब तक वह देह नहीं मिलती, तब तक वाणी से, मन से एवं मानसिक देह से उनकी सेवा कीजिए, बड़ी लगन से कीजिए। वही आपका असली धन है। वाणी से प्रियतम का नाम लीजिए, मन से लालसा कीजिए और उस देह की ओर ध्यान रखिए एवं अभ्यास कीजिए कि मन का प्रत्येक संकल्प उनकी सेवा की भावना से सना हुआ हो। उनकी कृपा का आश्रय करके अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। वे देखेंगे और आपकी व्याकुलता देखकर उनके हृदय में अनुराग की लहरें उठने लगेंगी। उनके हृदय में चाह होने लगेगी आपसे मिलकर आनंद लेने की और आप निहाल हो जाएंगे। जय श्री राधे।